जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग जो का रीजनिंग का, जैसे मैं आपको बताया था उसके हिसाब से मैं रीजनिंग का आज टॉपिक चालू कर दिया हूँ। आज हमारा रीजनिंग का जो पहला क्लास है मेरी, वो रहेगा रीजनिंग का। आज पहला चैप्टर हमारा है सदृश्यता। जैसा मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे बोला था, आपसे वादा किया था, उस वादा में हम क्यों ना आगे हों, क्योंकि आपसे मैं जो वादा किया हूँ, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो मेरे भाई अभी तक फॉर्म नहीं बने हैं किसके, SSC GD का, वो इस हिसाब से कि मेरी मैथ और रीजनिंग के साथ साथ बहुत ही वीक है, मैं उसको तैयारी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी छोड़ करके 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं उसकी सिलेबस का पूरी मैं कराऊंगा, उस पर आप जाकर फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले हम सदृशता पढ़ेंगे। सदृशता एक तरह से लगने में, आपको देखने में, वर्ड में, ये वर्बल रीजनिंग का पहला जो है टॉपिक है, वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक है सदृश्यता। देखिए आधारभूत संबंध, इसके दो टॉपिक होते हैं। एक आधारभूत संबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं। आधारभूत संबंध का मतलब ये होता है जो सीधे सीधे, जैसे कि आपको मैं सामने बता रहा हूँ, जैसे 1:1 है और समानुपाती, ठीक है, 3:4 है, यानी 1:2 है, समानुपात 3:4 है अगर आपके साथ, तो इनका संबंध ऐसा है कि जिस तरह 1:2 हो रहा है उसी तरह 3:4 हो रहा है, ठीक है। तो आपसे ऐसा कर देगा जैसे कि 5:6 है, तो बताइए अब यहाँ लिख देगा भैया कि 7:7 क्या होगा, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ 5 से 6 हुआ है, यानी 1 जुड़ा है, तो 7 से यहाँ 8 ही होगा। तो ऐसे सिंपल, इस तरह के सिंपल प्रश्न ये आधारभूत संबंध से होते हैं, ठीक है। तो आधारभूत संबंध को मतलब यही है कि कुछ सिंपली इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ विकसित संबंध होते हैं दोस्तों, विकसित संबंध थोड़ा सा लॉजिकल होने लगे हैं इस समय, तो ये भी एक तरह से अब धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, इससे भी एडवांस अब तरीके आते हैं जो मैं अभी आगे चल के क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए इस तरह की, जैसे 1:2 है, ठीक है, समानुपाते 3:4 है, तो सीधा सीधा बात यह है कि जिस तरह 1 से 3 बन रहा है, तो 1 में कितना जोड़ा गया, तो 3 बन रहा 2, तो उसी तरह से 2 में भी 2 जोड़ा गया तो 4 बनता है। तो इस तरह का मतलब, एक का इससे संबंध, तो इसका इससे संबंध, इस तरह का संबंध विकसित संबंध कहलाता है। कैसा कहलाता है दोस्तों? इसी को हम कहते हैं विकसित संबंध। तो दोस्तों मैं आप विश्वास दिलाता हूँ, आप विश्वास करिए इस बात को कि मैं इसी तरह से पूरी वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट में पहले वीडियो देखे होंगे, उसमें कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरी रेगुलेशन में नहीं था। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो व्यक्ति ये सोच करके अभी फॉर्म नहीं भरा है कि मेरी तैयारी नहीं है रीजनिंग की, मैथ की, वो बिल्कुल ये छोड़ करके SSC GD में अब वो पहले फॉर्म भरे और इसके बाद वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आप बिल्कुल निःशुल्क करेगा, पूरे प्लेलिस्ट में मेरे इसको मिल जाएगा, यहाँ तक कि ये 15 दिन के अंदर पूरी वीडियो, 10 दिन के अंदर पहले पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर 9 नवंबर की कुछ वीडियो अपलोड हो जाएंगे, फिर इसके बाद 10 दिन बाद मैं मैथ की पूरी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप जान गए कि आधारभूत संबंध क्या होता है और विकसित संबंध क्या होता है, इसी दृश्यता को मैं आगे बढ़ाऊँगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सदृशता का मतलब इसी तरह से होता है। सबसे पहले देखिए, अगर इसकी टाइप के बारे में बात करें तो सदृशता टाइप, वैसे 5 प्रकार के सदृशता टाइप बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं सदृशता लिखा गया है लेकिन वो अक्षर है। जैसे पहला टाइप का जो प्रश्न बनेगा आपका, मैं आपको एक एक टाइप का भी प्रश्न पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। पहला टाइप का जो प्रश्न है आपका, वो सब सदृशता है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, अक्षर सदृशता है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, वो संख्या सदृशता है, सदृशता है। और टाइप 4 में आपको संख्या एवं समूह दोनों दे देंगे, जैसे कुछ नंबर भी दे देंगे और कुछ ABCD के हिसाब से दे देंगे, इसके आधार पे कुछ प्रश्न दे देंगे। और टाइप 5 जो मैं बता रहा हूँ, अक्षर एवं संख्या दोनों का सदस्यता रहेगा, इसमें संख्या समूह रहेगा, इसमें पूरा संख्या संख्या रहेगा, और जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें अक्षर भी रहेगा, संख्या भी रहेगा। तो इस तरह के टाइप 5 5 प्रकार के सदस्यता को हम लोग अभी इस उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं, सदृशता में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, और इस टाइप फर्स्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे से मन लगा के उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं होता है कि आप लोग ऑफ ही लाइन बस में पढ़ सकते हैं, अगर आपकी आग अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं आप, अगर आपको अपनी चाह है किसी चीज़ को पाने की, तो मैं विश्वास दिलाता हूं उसके चाह को आप 100% उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन शब्द सदृशता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शब्द सदृशता, जैसा कि शब्द सदृशता पर आधारित प्रश्न में हम बता दें कि यह केवल एक शब्द दिया गया होता है और दिए गए युग्म के दोनों शब्दों के मध्य कुछ खास संबंध होता है, ठीक है, और इस संबंध का परीक्षण करना होगा आपको, और इसी संबंध के आधार पर दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनना होता है जो दूसरे युग्म को पूरा कर दे,
ठीक है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे देखिए कुछ आप टाइप अलग अलग टाइप की स्थितियाँ आती हैं। पहले स्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी दोस्तों कि राजधानी के आधार पे, जैसे देश की राजधानी के आधार पे भी प्रश्न आते हैं। तो जैसे देश की राजधानी के आधार पे पूछ देगा देश राजधानी, अब जैसे मान लीजिए इंडिया का अगर बोल दिया दिल्ली है, उसी तरह से इंडिया का जब दिल्ली है तो उसी तरह से अब भारत का जब राजधानी दिल्ली है उसी तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू से संबंध रख देगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे राजधानी आपको याद करना होगा। आपको याद मैं कुछ कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक जापान है, जैसे मान लीजिए जापान का यदि संबंध क्वेश्चन कर देगा, जापान के सामने लिख देगा टोक्यो, जापान का संबंध किससे लिख देगा टोक्यो, ठीक है समझिए बात को, जापान के यदि संबंध टोक्यो है तो बताइए आपसे क्वेश्चन ही कर देगा कि श्रीलंका का संबंध किससे होगा, श्रीलंका से श्रीलंका का संबंध किससे होगा। तो आप जैसा श्रीलंका, जिस तरह जापान का राजधानी टोक्यो है उसी तरह से श्रीलंका का संबंध हो जाएगा क्या, कोलंबो, क्या है दोस्तों कोलंबो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो इस तरह राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन तो इस तरह बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछने का क्या है, जिस तरह कीनिया, अब देखते जाइए इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, जिस तरह कीनिया का संबंध, अब लिख देगा कीनिया का संबंध बोल देगा नैरोबी से है, नैरोबी से है, देखते जाइए नैरोबी से है। तो पूछ देगा बाबू अब ये बताओ फ्रांस की संबंध किससे होगा, फ्रांस का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पे आप फ्रांस की राजधानी याद होना चाहिए, तो सभी को पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी तरह से और क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछते हैं, जैसे इसमें पुर्तगाल, जैसे पूछेगा दोस्त मेरे पुर्तगाल, पुर्तगाल का क्या संबंध होगा, यहाँ पे ऐसे कर देगा। दूसरा पूछेगा यदि यहाँ पे पूछेगा पुर्तगाल का, जिस तरह अर्जेंटीना, यहाँ पे लिखा है अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना का संबंध किससे बता दिया है, ब्यूनस आयर्स का, तो मतलब आयर्स का पूछा है। जिस तरह अर्जेंटीना का संबंध आयर्स से है, ब्यूनस आयर्स से है, उसी तरह से पुर्तगाल का संबंध किससे होगा। तब दोस्तों अगर आप अर्जेंटीना का आयर्स जिस तरह संबंध रखता है उसी तरह से पुर्तगाल का लिस्बन है, तो पुर्तगाल का क्या है लिस्बन। देखो बेटा आपको तो यह है ना सभी देशों की राजधानी याद भी होना चाहिए, जी के संबंधित क्वेश्चन है लिस्बन हो जाएगा। तो मैं कुछ चीज़ें याद भी करा रहा हूँ साथ साथ, ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल हर चीज़ें बात बात लिख लिख के अगर पढ़ते होंगे 100% बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देशों के नाम राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं, जो मुख्यतः देशों से संबंधित रहता है जिसकी हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन हम कुछ करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे एक प्रश्न है कि जैसे है कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा है बाबू ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का संबंध दे दिया है क्या कैनबरा, क्या दे दिया है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का संबंध दे दिया बाबू कैनबरा, उसी तरह से आपसे पूछा है कि बताइए नेपाल का क्या होगा। देखिए ऑप्शन भी दे दिया आपको नेपाल का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा नेपाल का हो जाएगा कोलंबो, क्या हो जाएगा दोस्तों कोलंबो, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे गए हैं और पेपर में आए भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप पहला स्थितियां आप देखेंगे राजधानी संबंधित प्रश्न पूछते हैं, ये जो मैं टाइप बता रहा हूँ आपको पढ़ाने खुश कर, ये शब्द सदस्यता से बनने वाले प्रश्न हैं। शब्द सदस्यता में दूसरी टाइप स्थिति आती है, कुछ देश की मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, कुछ देश की मुद्रा भी पूछ देता है, जैसे कुछ देश की मुद्रा ऐसे पूछ देगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकता भैया कि देश की मुद्रा से, तो देश की मुद्रा में जैसे अभी हमने बताया ना शब्द ही है, ये भी शब्द सदस्यता से ही पूछ रहा है, जैसे जिस तरह ईरान का संबंध, जैसे पूछ देगा जिस तरह ईरान का संबंध रियाल से है, ठीक है रियाल से है, जिस तरह ईरान का संबंध क्या है रियाल से है, उसी तरह से आपसे कह देगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किससे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किससे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किससे होगा,
तो आप क्या करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो इसमें आप लिख देंगे बाबू डॉलर से है। तो ये इतनी इजी इजी क्वेश्चन के साथ साथ आपको अब मुद्रा संबंधी प्रश्न के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा कि सभी देशों की जो मुद्रा है उसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर देश की उसे मुद्रा को आपको पता होनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो हम कुछ मुद्रा आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, शायद उनमें से आपका कोई क्वेश्चन बन सके। तो इसे आज हम इसी तरह से कोई पूछेगा चिली, चिली में ये बताओ चिली देश में कौन सी मुद्रा चलती है, तो चिली देश में जो मुद्रा चलती है दोस्तों वो पीसो चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, पीसो। तो ये क्वेश्चन शायद आपके प्रैक्टिस में मिल जाएँ, इसलिए हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ करा रहे हैं, चिली का पीसो याद कर लेना, ठीक है। चीनी, चीन, अब याद करो चीन, चीन की मुद्रा क्या है बाबू, आप सभी को याद होगा युआन, युआन होता है, क्या होता है बाबू युआन, चीन का मुद्रा क्या होता है युआन, ठीक है। इसी तरह से भूटान का, जैसे आपको अभी याद होगा भूटान का क्या होता है मुद्रा, तो भूटान का न्यू गल्ट्रम, क्या होता है न्यू गल्ट्रम, ठीक है, न्यू गल्ट्रम, न्यू गल्ट्रम होता है, जो कम से कम आसपास के देशों को तो नाम याद ही हो जाएगा। साथ ना दोस्तों बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपको याद तरीका दे रहे हैं, स्पेन, स्पेन के क्या हो सकता है, स्पेन जैसे है तो यूरो होता है। तो दोस्तों इसी तरह से कई ऐसे देश हैं उनके मुद्रा को आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोशिश करिएगा जरूर, इसके लिए आप ही को फ़ायदा हो सकता है। तो मुद्रा संबंधित प्रश्न आते हैं, कुछ स्थितियाँ जो दूसरी स्थितियाँ तो समझ में आए, तीसरी स्थितियाँ और जो पूछा जाता है वो तीसरी स्थितियाँ ये होती है दोस्तों, तीसरी स्थितियाँ अगर हम देखें तो इस तीसरी स्थिति अगर हम समझें तो इस स्थिति में एक तो होता है राज्य एवं राजधानी संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं, कुछ राज्य है जो मध्य प्रदेश भारत के राज्य होंगे और उसकी राजधानी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जैसे देश हैं, कई ऐसे कंट्री होते हैं उनकी राजधानी संबंधित, उसी तरह राज्य से भी आ सकता है, जैसे गुजरात, जिस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, जिस तरह राजस्थान क्वेश्चन इस तरह आप पूछ सकता है कि राजस्थान का जिस तरह संबंध क्या है, राजस्थान का जिस तरह संबंध गांधीनगर से है, किससे नगर से बेटा, गांधीनगर से है, समझते जाइए, राजा जिस तरह राजस्थान का संबंध गांधीनगर से है उसी तरह से आपसे पूछ देगा कि बिहार का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से संबंध किससे है, तो बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी आपको याद ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो इसमें पटना आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि स्थितियां थर्ड में राज्य एवं राजधानी से पेपर भी पूछा जाता है। अच्छा स्थितियां चतुर्थ में हम फोर्थ में देखेंगे तो कुछ स्थितियां ऐसी आ जाएगी, कुछ यंत्र एवं मापक द्वारा भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ यंत्र का नाम लिख देगा, कुछ यंत्र रहेगा और कुछ मापक यंत्र रहेगा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। यंत्र मापक में जैसे अगर पूछ देगा कि जिस तरह इस ट्रिग्नोमीटर से हम क्या बोलेगा, जिस तरह इस पिग्नोमीटर से हम क्या करते हैं, जिस तरह हम इस पिग्नोमीटर से हम क्या करते हैं, रक्त दाब मापते हैं, क्या करते हैं बाबू, रक्त दाब मापते हैं, जिस तरह इस पिग्नोमीटर से हम रक्त दाब मापते हैं उसी तरह से अमीटर से हम क्या मापते हैं, तो अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, समझ आ रहा ना, विद्युत धारा मापते हैं, तो इसका संबंध पूछ सकता है। तो इन सभी के मापक यंत्र को भी याद होना चाहिए। देखिए जीके संबंधी प्रश्न है, यह मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, तो ये सब सदस्यता शब्द सदस्य संबंधित प्रश्न है ये। और क्वेश्चन आ सकता है जैसे थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं बाबू, तो आप कहेंगे थर्मामीटर से जिस तरह हम थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तो थर्मामीटर से जिस तरह हम तापमान मापते हैं, क्या कह रहे हैं, तापमान मापते हैं, उसी तरह से आपसे प्रश्न कर देगा कि बताइए ओडोमीटर से क्या मापते हैं, उसी तरह से कह देगा कि ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से गाड़ी की स्पीड मापते हैं, गाड़ी की क्या मापते हैं हम लोग, स्पीड मापते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्थितियां फोर्थ में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। स्थितियां पांचवें की बात हम करें दोस्तों, तो स्थितियां पांचवें में इकाई एवं मात्रा संबंधी प्रश्न आते हैं, इकाई एवं मात्रा, कुछ इकाइयां आ जाएंगी उनके मात्रा की याद भी आपको होना चाहिए, इकाई एवं मात्रा को भी अब आप याद करना है। देखो दोस्तों मैं आपको एक तरह से नजरें भी खोल रहा हूँ, एक तरह से बता भी रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर है आपके आंख सामने है, इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं, इसी तरह आप देख सकते हो। तो कुछ है जैसे इकाई मात्रा, जैसे ये क्वेश्चन कर देगा कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का संबंध पूछ देगा,
विद्युत धारा का जिस तरह संबंध, मैंने विद्युत धारा किससे मापते हैं, एम्पियर से, तो बोल देगा जिस तरह विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है, ठीक है, जिस तरह विद्युत धारा का संबंध क्या है, एम्पियर से है, उसी तरह ऊर्जा का मात्रक किससे होगा, उसी तरह ऊर्जा की मात्रक किससे होगा, तो ऊर्जा किससे मापते हैं बाबू, ऊर्जा हम जूल से मापते थे, इसका सही आंसर जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रहा है ना, इस तरह जब याद रहेगा तब ना कर पाओगे। और ऊर्जा के साथ साथ कार्य भी को भी हम जूल से मापते हैं, तो कार्य और ऊर्जा दोनों को हम जूल से मापते हैं, दोनों की मात्रक एक ही होती है, याद कर लीजिए। और क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस तरह दाब, दाब का संबंध पास्कल से है, क्योंकि पास्कल के यूनिट से मापते हैं ना दाब को, तो दाब का मात्रक जिस तरह पास्कल से है, दाब का संबंध जिस तरह पास्कल का है, उसी तरह आयतन का मात्रक किससे होगा, तो जानते हैं हम आयतन किससे मापते हैं, तो आयतन हम लीटर से मापते हैं, आयतन हम किससे मापते हैं बाबू, आयतन हम लीटर से मापते हैं, तो इसका संबंध लीटर से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह समय का संबंध सेकंड से है, समय का संबंध किससे हो, सेकंड से, तो आवृत्ति का संबंध किससे होगा, तो आवृत्ति का संबंध आप समझ सकते हैं, आवृत्ति का संबंध किससे हो सकता है, तो आप कहेंगे सर आवृत्ति का संबंध किससे हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हर्ट्ज से होता है, हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति का संबंध किससे हो सकता है, हर्ट्ज से, क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो कुछ शब्द समानार्थी शब्द के हिसाब से भी प्रश्न में आते हैं, कुछ शब्द समानार्थी शब्द से सब प्रश्न में आते हैं, समानार्थी शब्द, तो स्थितियां अब हम सिक्स की बात करें, तो कुछ समानार्थी शब्द भी आपको याद होना चाहिए, एक ही जैसा अर्थ, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक ही जैसा हो, समानार्थी शब्द कहलाता है। तो वो क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, समानार्थी शब्द से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जिस तरह अनुमान, अनुमान का संबंध क्या होता है, जैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इसका मतलब है उसका कल्पना संबंध है, किससे संबंध है, कल्पना से, अनुमान का संबंध किससे है, कल्पना से, तो बताइए अमृत का संबंध किससे संबंध होगा, अमृत का संबंध किससे होगा, तो अमृत का संबंध मधु से होगा, मधु से, ठीक है, मधु यानी शर्करा, मधु से संबंध होगा, ठीक है। ये भी है जैसे अनबन, इस समय भैया उनके बीच में अनबन चल रही है, तो अनबन मतलब खटपट, अनबन मतलब, अनबन का मतलब किससे है, उनके बीच में खटपट है, अनबन है, तो ईर्षा का, ईर्षा, ईर्षा का समानार्थी क्या होगा, ईर्षा का समानार्थी होगा द्वेष, क्या होगा बाबू, द्वेष, तो इस तरह ईर्षा का द्वेष हो जाएगा। तो बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं दोस्तों, उसको आपको समझना होगा, जिस तरह जुलाहा का संबंध, समझ रहे हैं ना, बुनकर से है, क्योंकि जुलाहा को हम बुनकर भी बोलते हैं, तो अवस्था का संबंध किससे होगा, तो अवस्था का संबंध आयु से होगा, ठीक है, तो इस तरह अवस्था का संबंध आयु से हो सकता है। तो छठवें नंबर जो पोर्शन हमारा आया है, समानार्थी शब्द है, छठवें नंबर की जो स्थितियां हैं, सातवें नंबर की जो स्थितियां हैं बाबू, सातवें नंबर की स्थितियां हैं, वो विपरार्थी शब्द से भी आ सकता है, विपरार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द का मतलब होता है विपरीत शब्द, जैसे दिन का रात है, तो रात का दिन भी हो सकता है ना, शांति है, जैसे कोई चीज़ शांति है, तो शांति के क्या हो सकता है, अशांति, तो ये विपरार्थी शब्द जब आपको याद होगा तो उसी तरह से आप संबंध न ज्ञात करेंगे, शांति का अशांति हो जाता है, हर्ष का शोक हो जाता है, या फिर शोक अगर दिया है तो शोक का क्या हो सकता है, हर्ष, शोक यानी दुखी, हर्ष यानी उल्लास, ठीक है ना, नादान, जैसे बोलते हैं नादान बालक, नादान, नादान बालक, नादान मतलब हो गया समझदार, क्या होता है, समझदार, नादान मतलब क्या होता है, समझदार, ठीक है, है ना। सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक, सार्थक का क्या हो जाएगा बाबू, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक, ठीक है, निरर्थक, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक। सन्यासी क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति सन्यासी होता है वो गृहस्थ भी है, सन्यासी क्या हो जाएगा, गृहस्थ, क्या हो जाएगा बाबू, गृहस्थ, सन्यासी क्या हो जाएगा, गृहस्थ। तो समझ में आ रहा है ना, विपरार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द इसी तरह से चलते आ रहे हैं, लगातार आप चलते आ रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है। कुछ वस्तु या जानवर के लिए भी शब्द सदृशता में आते हैं, ठीक है ना, तो अपन देखें आठवें नंबर की बात करें, कुछ आठवें टाइप का जो क्वेश्चन है, तो कुछ जानवर या वस्तु के नाम से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वस्तु या जानवर के नाम से, ठीक है, तो ये जानवर या वस्तु के नाम से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखिए आप लोग वस्तु जानवर के नाम, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे जानवर, जिस तरह जानवर का संबंध किससे बाबू, जानवर का संबंध जैसे आप बोलेंगे चिड़ियाघर से है,
जानवर कहाँ पर जाता है भैया, चिड़ियाघर। भाई जानवर को हम लोग जानवर चिड़ियाघर संबंधित है, तो मधुमक्खी से क्या संबंधित है, तो मधुमक्खी को कहाँ पाला जाता है, तो जानवर को कहाँ पाला जाता है, चिड़ियाघर में, तो मधुमक्खी को कहाँ पाला जाएगा, तो मधुमक्खी को पालना एक तरह से एपियरी, एपियरी में पापते हैं, कहाँ पापते हैं, एपियरी, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, आपको समझना होगा। जिस तरह हवाई जहाज, हवाई जहाज देख लीजिए, समझिए हवाई जहाज कहाँ संबंधित है, हवाई जहाज कहाँ पे, जहाँ पे खड़ी होती है उसे हैंगर कहते हैं, जहाँ पे हवाई जहाज को इकट्ठा करके खड़े थे उसे हैंगर कहते हैं। जिस तरह हवाई जहाज को हैंगर कहते हैं, उसी तरह चिड़िया, जहाँ चिड़िया ठहरती है उसे क्या कहेंगे, चिड़िया खाना। क्या कहेंगे बदू, चिड़िया खाना, क्या बोलेंगे, चिड़िया खाना, समझ में आ रहा, उसे क्या कहेंगे, चिड़िया खाना, ठीक है। तो इस तरह आपको पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। मछलियाँ, जहाँ मछलियाँ का मतलब पालन, मछली पालन को एक्वेरियम कहते हैं, जहाँ मछलियाँ रहती हैं उसे एक्वेरियम में रखते हैं, नहीं रखते हैं, टेम्परेली के लिए एक्वेरियम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं ना। उस तरह कपड़े को कहाँ रखते हैं हम लोग, कपड़े को रखते हैं आलमारी में, तो आप यहाँ आलमारी लिख देंगे और क्या होगा, आलमारी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कुछ वस्तु जानवर के नाम से भी प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आपसे अचानक पूछते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरे टाइप के प्रश्न, एक पहले टाइप के प्रश्न ऐसे पूछते हैं, दूसरे टाइप के प्रश्न जो पूछ रहे हैं भैया वो अक्षर सदस्यता के आधार पर पूछते हैं। अक्षर सदस्यता का मतलब ये होता है कि बहुत ही सीधा है, रीजनिंग का है ये, जो आप लोग एक तरह से वो पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, वर्णमाला, तो वर्णमाला में ये क्लियर भी हो जाता है। तो अक्षर संबंध कैसे होता था, जैसे देखिए स्वर, पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, स्वर, स्वर होना चाहिए। दूसरा आपका व्यंजन पर पता होना चाहिए, व्यंजन को भी। तो स्वर ए बी सी डी का ए ई आई ओ यू, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं, देखते जाना। और व्यंजन के आधार पे क्या हो गया, जो चीज़ें छोड़ दो, बी सी डी ई छोड़ के एफ जी एच आई छोड़ के जे के एल एम एन ओ छोड़ के पी क्यू आर एस टी यू छोड़ के भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इस तरह ए बी सी डी में देखा जाए तो पांच छोड़कर पांच वाविल स्वर होते हैं और 21 जो है टोटल व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन आधार पे जैसे एक क्वेश्चन दिया है, आप ही बताइएगा, जैसे ए एफ के पी का संबंध किससे है, बी जी एल क्यू, ठीक है। तो बताएगा भैया सी एच एम आर का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए ए एफ, ए का मतलब एक में है, एफ मतलब छः है, के मतलब 11 है और पी मतलब 16 है, ये आपको याद करा देंगे कोडिंग डिकोडिंग में। बी का मतलब 2 है, जी का मतलब 7 है, एल का मतलब 12 है, क्यू का मतलब 15 है, क्यू का मतलब 17 है बाबू, ठीक है। सी का मतलब 3 है, 8 का 8 है, 13 है और ये है आपका 18। तो देखो एक का जैसे 2 हो रहा है, 6 का देखो 7 हो रहा है, 11 का देखो 12 हो रहा है, 16 का देखो 17 हो रहा है, उसी तरह 3 को हो जाएगा 4, 8 का हो जाएगा 9, एम 13 का हो जाएगा बाबू 14, और आर का हो जाएगा बाबू 13 का हो जाएगा 14 और 8 का 18 हो जाएगा 19। तो इनका नाम रख दोगे भाई, इसका भाई डी, डी आ जाएगा, ठीक है ना, डी आ जाएगा। डी के बाद अपन देखें इसमें, तो इसमें आई हो जाएगा, ठीक है, इसमें 15 है, इसमें ओ हो जाएगा, इसमें जो है क्यू 19 है, ठीक है, तो इसमें जानते हो और एस हो जाएगा। तो इस तरह का इसमें एक प्रश्न बन सकता है भाई, 2 है तो बी हो जाएगा, बी डी आई ओ एस, ठीक है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं अक्षर एवं सदस्य संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टाइप थर्ड से हम कल समझते हैं और लगातार आप वीडियो को इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, समझिए, थैंक यू।